बनाए जैन साहब। यस, रूपफिला इंटरनेशनल अनिल जी एक जबरदस्त कंपनी है और मलेशिया बेस्ड रूप्रो नाम की कंपनी है और केरला स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उन्होंने मिलकर ये 1994 में इस कंपनी को प्रमोट किया था। और मेरा ये सेगमेंट जो है, ये रबर वाला सेगमेंट में इसको इसलिए मेरा फेवरेट हो गया है कि एक तो जो पिक्स ट्रांसमिशन है, जो लास्ट ईयर की जब मैं एनालिसिस दे रहा था पूरे जैन साहब के जेम्स की, तो 508% का रिटर्न पिक्स ट्रांसमिशन ने दिया हुआ है। और रूफिला इंटरनेशनल भी इस सेगमेंट में मैंने पहले रेकमेंड किया था, बट उस टाइम के क्वार्टरली रिजल्ट्स में और अब के क्वार्टरली रिजल्ट में दिन रात का फर्क है। मैंने ये दिया था नवंबर के महीने में और उस टाइम पे मैं 8 करोड़ के पैट पे इस स्टॉक को रेकमेंड किया था क्योंकि मैं सेप्टेम्बर का रिजल्ट देखा था। और आज अगर मैं दे रहा हूं तो आज मैं 12 करोड़ का पैट देख रहा हूं उनके क्वार्टर का, तो 10 करोड़ 11 करोड़ 12 करोड़ इस तरीके का पिछले 3 क्वार्टर्स का पैट है और 8 करोड़। सो लास्ट 4 क्वार्टर्स वेर द बेस्ट 4 क्वार्टर्स हिस्ट्री ऑफ द कंपनी और जबरदस्त मतलब फंडामेंटल्स है कंपनी के। और जो मैंने बताया पेडिग्री तो मैंने बता ही दिया। और एक और चीज, 13 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 23-24 के लगभग है, डिविडेंड यील्ड 1.25% के लगभग है, आरओई करीब 17-18%, पिछले 3 साल की 5 साल की प्रॉफिट की कैगर देखें तो 30% के लगभग है। ऊपर का लेवल ये 125 तक जाके आया था, फिर अभी 105-10-15 के लगभग है, तो मुझे लगता है कि बढ़िया लेवल से एंट्री करने के लिए। और दिस इज द ओनली कंपनी टू मैन्युफैक्चर बोथ टैल्कम कोटेड और सिलिकॉन कोटेड रबर थ्रेड्स, तो लार्जेस्ट प्लेयर है इंडियन मार्केट का, तो 500-600 करोड़ में एक इंडियन मार्केट का लार्जेस्ट प्लेयर मिलता है, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता है। और ऐसे पेडिग्री के साथ तो मेरे हिसाब से स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए और आराम से 130 का पहला टारगेट और 140 का दूसरा टारगेट। फिला इंटरनेशनल जैन साहब, ये करती क्या है कंपनी वैसे बाय द वे? ये रबर का काम करती है अनिल जी, ये रबर के थ्रेड्स बनाती है, ये जो टेलकम कोटेड और सिलिकॉन कोटेड कुछ रबर थ्रेड्स होते हैं, जिसकी ये कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, 1994 से ये कार्यरत है। हाँ, अच्छा अच्छा, ओके परफेक्ट। तो रूपफिला इंटरनेशनल ये है वो बेहतरीन स्टॉक जहां पर जैन साहब की तरफ से खरीदारी करने की राय 130-140 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर आती हुई दिख रही है खरीदारी की राय। रूपफिला इंटरनेशनल बेहतरीन कंपनी, मुझे लगता है वो टेक्सटाइल, मुझे पहले ऐसा क्यों ध्यान रह गया, ये वो टेक्सटाइल कंपनियों को इलास्टिक टाइप बना के बेचने का काम वो तो नहीं करती ये? नहीं नहीं, ये काफी ये टॉयज की कंपनीज को और मेडिकल वेबिंग और बंजी जंपिंग में जो थ्रेड यूज होता है अच्छा, वो भी इसका ही होता है। आप सोचिए तो रबर्स जो होते हैं, तो बंजी जंपिंग जैसे रिस्की आइटम में भी, रिस्की एडवेंचर स्पोर्ट में भी इनका माल जाता है। सो आई थिंक जबरदस्त कंपनी और रब से रूप मतलब रबर वाला, और प्लस ये रूप्रो बोल के मलेशिया की कंपनी है और मलेशिया रबर का मामला है तो मलेशिया इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल। और 1994 में जब आया था अनिल जी, तो एक डिस्क्लेमर हो रहा है, मैंने इसके आईपीओ में भी सब्सक्राइब किया। अच्छा, लेकिन बट है नहीं मेरे पास अभी शेयर। अच्छा अच्छा, ओके, बट वो भी बनाती जो मैंने आपको बोला है, जिसको आप क्या कह सकते हैं हिंदी भाषा में नाड़ा, नाड़ा का इंग्लिश शब्द क्या है, नाड़ा का कोई इंग्लिश शब्द किसी को पता है? वेस्ट बैंड नहीं, इलेक्ट्रिक, हमको तो पता नहीं, आप जो बोलोगे मान लेंगे। बंसल जी, आपको आइडिया इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? बंसल जी पूछे, मुझे ही पूछा। चलिए, तो रूपफिला इंटरनेशनल ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय 130 और 140 के टारगेट पे। आइए सिमी जी और बंसल जी, राकेश जी दोनों तैयार।